सालों तक जगाई साक्षरता की अलख, अब अंधेरे में जीवन काटते हुए 18 महीने के मानदेय के लिए भटक रहे प्रेरक। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा, बेगूसराय। साक्षर भारत योजना के तहत जिले के विभिन्न पंचायत में 2 प्रेरकों तथा जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखा समन्वयकों का नियोजन 2010 में हुआ था। इन्हीं असाक्षरों को साक्षर करने के साथ ही सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के साथ ही समाज में फैली विभिन्न तरह की कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने की जवाबदेही दी गई थी। 8 वर्ष काम करने के बाद 31 मार्च 2018 को सभी का नियोजन समाप्त कर दिया गया। नियोजन की समाप्ति तक 18 माह के मानदेय का भुगतान अधिकांश कर्मियों को नहीं किया गया। सरकार के आदेश के आलोक में कर्मियों ने 1 साल पूर्व मानदेय भुगतान को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व संबंधित प्रधानाध्यापकों के अनुमोदन के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सह साक्षरता बेगूसराय के कार्यालय को समर्पित किया। पदाधिकारी की उदासीनता की वजह से 1 वर्ष बाद भी वह लंबित मानदेय का भुगतान कर्मियों को नहीं किया गया, जिसके लिए ये जिला कार्यालय की चक्कर काटते हुए दर दर भटक रहे हैं। 6 माह पूर्व तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत गौर 5 के प्रेरक हीरालाल की मौत इलाज की अभाव में हो गया, लेकिन विभागीय पदाधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और सभी कर्मी 7 वर्ष से बेरोजगारी का दंश झेलते आ रहे हैं। इतने लंबे समय तक शिक्षा के अलख जगाने वाले कर्मियों में इसको लेकर काफी नाराजगियां हैं। लंबित मानदेय भुगतान एवं सरकार से समायोजन को लेकर बेगूसराय जिले के दर्जनों प्रेरकों एवं समन्वयकों ने 27 जून गुरुवार को जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। तेघड़ा प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक अशोक कुमार ठाकुर, भगवानपुर समन्वयक रंजन कुमार, प्रेरक चित्रंजन कुमार, अशोक मेहता आदि ने बताया कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2018 में भरोसा दिलाया था कि साक्षर भारत के कर्मियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सरकारी कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार द्वारा अभियान शुरू करने में विलम्ब किया जाएगा तो बिहार सरकार अपने स्तर से इनका समायोजन दूसरे विभाग में करेगी। कर्मियों ने बताया कि शिक्षा के अलख जगाने के साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के अलावे सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कुरीतियां, मद्य निषेध, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन के अलावे जनगणना, पशु गणना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आदि कार्यों को कार्य रूप देने में साक्षर भारत कर्मियों की महती भूमिका थी। 31 मार्च 2018 के बाद समाप्त कर दिया गया, जिससे इस अभियान में काम करने वाले साक्षरता कर्मी आहत हुए हैं। उनके समक्ष भुखमरी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई कर्मी अपनी बीमारी के इलाज कराने में असक्षम होने के कारण मृत्यु के गाल में भी समा गए। भारत सरकार के इस फैसले से इनमें उदासी है, इसलिए अपनी पीड़ा को लेकर शिष्टमंडल ने मांग पत्र सौंपा है।